खातिन हज़रा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं यू ओपन द टैब्स एंड देन यू यू नो ओपन द टैब्स फॉर द प्रोजेक्ट्स जो आपको बेहतर लगते हैं जो आपकी स्किल uh, सेट के साथ मैच कर रहे होते हैं मैं बिड की बात नहीं कर रहा अभी मैं सिर्फ ओपनिंग ऑफ द टैब्स की बात कर रहा हूँ हमने बड़े डिटेल से इस बारे में बात की है बट देन द बिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हाउ टू चूज बिटवीन हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द लो प्रोजेक्ट कॉस्ट जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफिक डिजाइनर की भाई मैं तो वही हूँ मैं अपनी फील्ड के बारे में बताऊंगा मैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ आपका जो स्किल सेट है मेरे एक शूज़ फिल कर लीजिए बात सारी एक ही है तरीकाकार एक ही है और जब तरीकाकार एक है तो सिर्फ समझने की देर है हाँ ये खुश नसीबी है अभी आपकी कि समझाने वाला सामने खड़ा हुआ है पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का आज से पहले कभी कोई कोर्स नहीं हुआ हुआ जो रिकॉर्डेड हो जिसका कंटेंट इतना इनडेप्थ अवेलेबल हो और जिसमें इतनी डिटेल से एक एक चीज बताई गई हो अब टैब्स खोल लिया आपने ग्राफिक डिजाइनिंग लोगो डिजाइन, जो भी आपका दिल करता है कंटेंट राइटिंग वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस, उनमें से आप देखते हैं कि एक लोगो डिजाइन की प्राइस एस्किंग प्राइस प्रोजेक्ट बजट पचास डॉलर है और उसी से अगली टैब में एक्सपेक्टेड बजट एम्प्लॉयर का ढाई सौ से पांच सौ डॉलर है दो चीजों को कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों एक प्रोजेक्ट प्राइस पचास डॉलर फिफ्टी और डॉलर बता दिया अपने प्रोजेक्ट ब्रीफ में आई हैव अ प्रोजेक्ट बजट ऑफ फिफ्टी डॉलर एंड इट इज अ फिक्स प्राइस एंड वेयर एज इन यूर प्रोजेक्ट सिलेक्शन वेन यू ओपन द टैब्स वेन यू गो थ्रू द प्रोजेक्ट ब्रीफ इनिशियली इसका प्रोजेक्ट बजट रेंज ढाई सौ से पांच सौ डॉलर क्या करेंगे हा देर यू आर बिल्कुल सही जवाब दिए ढाई सौ से पांच सौ वाले प्रोजेक्ट पे बेड करेंगे बेड इंपॉर्टेंट होती है बेड पे पैसे लगते होते हैं क्योंकि जब आप फ्री बेड अगर किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस की लेंगे तो वो तो खाली आपको 10, 20 इतनी मिलती हैं इट वेरीज फ्रॉम फ्रीलांस मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस इट वेरीज फ्रॉम साइट्स टू साइट्स लेकिन जब आप पेड अकाउंट लेंगे तो भाई तब तो आपकी बिड ज़ाया हो रही है तो दोस्तों मेरा ये ख्याल है कि मैं पचास डॉलर वाले प्रोजेक्ट पर बिड नहीं करूँगा मैं इंस्टेड ढाई सौ से पाँच सौ वाले डॉलर पर बिड करूंगा और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि भले वो अकाउंट वेरीफाई ना हो जस्ट फॉर अ डिस्कशन से एक मिनट के लिए मान लिया कि एम्प्लॉयर ने अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं कराया हो सकता है बिजी भी होगा हो सकता है मसरूफ होगा बट उसका जो प्रोजेक्ट ब्रीफ है वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक है वो कह रहा है कि मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है मेरी वेबसाइट का एड्रेस ये है मेरी वेबसाइट पिछले दस साल से पड़ी हुई है मेरा लोगो पुराना हो गया मैं रीब्रांडिंग करना चाहता हूँ मैं नया इमेज अपने कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट करना चाहता हूं जब आप उसकी वेबसाइट के यूआरएल पे क्लिक करेंगे मिसाल के तौर पे डब्ल्यू ये मेरी वेबसाइट है ये मेरा ब्लॉग है अगर मैं इसका लिंक आपको दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं ऑथेंटिक ही हूँगा ना इरिस्पेक्टिव कि मैंने प्रीवियसली फ्रीलांस मार्केट प्लेस यूज नहीं की हुई आप भी तो पहले कभी फ्रीलांसिंग नहीं करते रहे आपने भी तो पहले कभी किसी प्रोजेक्ट पर बिट नहीं की सो एवरीथिंग इज एवरी थिंग इज अमटाइम्स इट्स अ न्यू थिंग दुनिया में बहुत कुछ पहली दफ़ा होता है उस एम्प्लॉयर के लिए भी पहली दफा हुआ होगा अगर वो फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर आया उसने प्रोजेक्ट पर प्लेसमेंट डाली हो सकता है पैसे ना डाले हों हो सकता है कार्ड वेरीफाई ना कराया हो बट उसकी ब्रीफ ऐसी है कि मुझे पता लग गया कि भाई इसकी वेबसाइट ओरिजिनल है ये कंपनी यहाँ पे रहती है इसका ताल्लुक इस मुल्क से है आई वुड बी इंक्लाइंड यानी कि मेरी प्रेफरेंस होगी टू बिड ऑन दिस हाई प्राइस प्रोजेक्ट ओवर अ प्रोजेक्ट विच इज पर फिफ्टी और डॉलर्स और उसकी जो आ, बाकी चीज़ें पूरी हैं महासाल के तौर पर लवाजमात वो वेरीफाइड भी है उसने प्रीवियसली पैसे भी खर्च किए मैं प्रोजेक्ट्स पे उसकी प्रोजेक्ट ब्रीफ भी ठीक है बट वाई शुड आई वेस्ट माई ब्लेड ऑन अ स्मॉल प्राइस वेयर आई एज बाई डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क बाय स्पेंडिंग सेम अमाउंट ऑफ आर्स यानी कि दोनों प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में मुझे आठ घंटे मसाल के तौर पे फॉर अ डिस्कशन से एक लगेंगे तो मेरी इनर इंस्टिंक्ट कहती है मैं हाई वैल्यू प्राइस को तरजीह दूंगा मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करूंगा जिसकी प्राइस अच्छी है लेकिन पहले जांच पड़ताल करूंगा उसके प्रोजेक्ट ब्रीफ की यानी कि उसके प्रोजेक्ट ब्रीफ में उसका वेबसाइट एड्रेस है कि नहीं है तो उसके एक कंपनी के बारे में जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा आया वो साउंड लाइक like यानी कि अभी तो आप सिर्फ देख ही सकते हैं ना आप एम्प्लॉयर को मिल तो रहे नहीं कि आप मुसाफ़ा करें हैंड शेक करें और उसको बैठ के जो है ना ओवर अ कप ऑफ कॉफी समझाएँ कि भाई आप कौन है और मैं कौन हूँ ये सवाल जवाब तो आप कर नहीं सकते सो वट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गेट अ सेंस ऑफ इट एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग अ सेंस ऑफ इट दैट इज़ वेयर यू कैन डिफाइन अ थिन लाइन बिटवीन अ यू नो बिडिंग ऑन अ लो प्राइस प्रोजेक्ट एंड बिडिंग ऑन अ हाई प्राइस प्रोजेक्ट मेरी प्रेफरेंस वक्त के साथ हाई प्राइस प्रोजेक्ट पे ही है बिकॉज टाइम मेरा उतना ही लगना है एनर्जी मेरी उतनी ही लगनी है जो मेरी मोटिवेशन है वो जाहिर है एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाएगी खुतिन हजरात जिसकी प्राइस वैल्यू ज़्यादा है ये स्मार्टली खेलना चाहिए एंड दिस इज़ समथिंग यू विल अंडरस्टैंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिडिंग ऑन लो प्राइज प्रोजेक्ट्स एज कम्पेयर टू बिडिंग ऑन हाई प्राइज़ प्रोजेक्ट्स जब एनर्जी लगनी है टाइम एक जैसे स्पेंड होना है तो हज़ूर ऐसे प्रोजेक्ट पे स्पेंड कीजिए जिसकी प्राइस वैल्यू ज़्यादा है आई होप दैट मेक्स सेंस